तो मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ इस तरह की फोटो आप बिना क्वालिटी लॉस के आप किस तरीके से एडिट कर सकते हो अभी लाइटरूम पर। ओके, तो पहले इंट्रो लगाते हैं, उसके बाद बैक वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह की फोटो आप किस तरीके से रिटचिंग कर सकते हो उसके ऊपर आज वीडियो होने वाला है। तो पहले फोटो किस तरीके से था, कुछ इस तरीके से था, फिलहाल एडिट करने के बाद कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हो गया। ओके, तो इस तरह की फोटो आप किस तरीके से रिटचिंग कर सकते हो उसके ऊपर आज वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किया अच्छे से देखते हैं, तो स्टेप स्टेप में आप लोगों को दिखाने वाले हो और सिखाने वाले हो। तो चलिए बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दो क्या क्या जरूरत होगा। तो आप स्नैपचैट और लाइटरूम यूज़ करेंगे तो स्नैपचैट में फेस स्मूथ करते, तो किस तरीके से करते हैं, मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं नीचे लिंक दे दूंगा, या फिर आई बटन में कहीं पर आ रहा होगा तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बाकी वीडियो के मतलब बाकी फोटो एडिटिंग किस तरीके से करते हैं वही आप लोगों को दिखा दें मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए, तो फिलहाल आ गए हम हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। तो मैंने क्या किया था, इस तरीके से कुछ रैंडमली फोटो मतलब इस तरीके से सेल्फी खींचना चालू कर दिया था। ऐसे बेकार बैठा हुआ था तो क्या करूँ, तो इस तरीके से सेल्फी उठाना चालू कर दिया था। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से कोई भी एक सेल्फी मैंने चॉइस कर लिया। ओके, मुझे मतलब जो सेल्फी को मैं एडिट करके अच्छा बना सकता हूँ तो उस सेल्फी को यहाँ पे चॉइस कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, तो इस तरीके बहुत सारे मैंने फोटो खींचा था, तो मैंने क्या किया आखिर में जाके एक फोटो को यहाँ से मतलब यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो इस वाले फोटो को मैंने सिलेक्ट कर लिया, इस वाले को। ओके, तो इस वाले को सिलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, स्नैपचैट पर ले जाऊँगा, उसके बाद फेस स्मूथ करूँगा। उसके ऊपर टोटल अपलोड दिया हुआ है, आई बटन और लिंक आ रहा होगा, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा तो आप जाके देख सकते हो। तो इसको शेयर करके फिलहाल क्या करूँगा, फेस स्मूथ होने के बाद लाइटरूम में ले जाऊँगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कोई अदर ऐप नहीं है, तो यहाँ पे रियलमी 3 प्रो करके मतलब रियलमी में कुछ इस तरह का पॉपअप वाला ऑप्शन आए हैं तो उसके ऊपर ही करेंगे। ओके, उसके बाद फोटो ओपन कर लीजिएगा, ओपन करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे लाइटिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे फिलहाल लाइटिंग एडजस्ट करने वाला हूँ, शेडो ब्लैक और व्हाइट को, हाईलाइट को, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करने वाला हूँ। तो आप इसी तरीके से आप अपने फोटो के ऊपर भी कर लीजिएगा, मतलब अपने फोटो के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि हाईलाइट को एडजस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल में जाएंगे, अगर उसके बाद बाकी का पोस्ट दिखा था कंट्रोल में बाद में जाएंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे हम उसका कलर बैलेंस को एडजस्ट करेंगे। ओके, अपने मुताबिक, तो आप अभी हाथ देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, टाइम को थोड़ा प्लस का सेट कर दिया, उसके बाद टीन को, उसके बाद वार्वेंस और सेशन को एडजस्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ब्लूटूथ में जाकर इस तरीके से यूज चेंज करेंगे थोड़ा, और इस तरीके से इसको जो सेशन को एकदम 100% डिक्रीज कर देंगे। उसके बाद जो साइड वाला टोन है उसको भी इस तरीके से सेम करेंगे। उसके बाद पिंक टोन में जाकर इस तरीके से थोड़ा सेशन घटाएंगे। उसके बाद ग्रीन टोन में जाएंगे, तो ग्रीन टोन में जाकर कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप अपने मुताबिक कर लीजिएगा। उसके बाद उसका सेशन को थोड़ा इस तरीके से कमा देंगे मतलब घटा देंगे। उसके बाद येलो टोन में जाएंगे, येलो टोन में जाने के बाद कुछ इस तरीके से सेशन घटा देंगे। उसके बाद ये ऑरेंज टोन है हमारा फेस का टोन है। ओके, तो इस तरीके से फेस का टोन थोड़ा एडजस्ट करके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और मैंने ह्यू को थोड़ा चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कलर टोन में जाएंगे मतलब ग्रेडियंट में जाएंगे। तो पहले क्या होता था, टोन करके लिखा हुआ था, तो यहाँ पे जाके आप कोई भी जो शेडो में कोई भी एक कलर यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो मैंने सेशन बढ़ाकर इस तरीके से दे दिया। उसके बाद हाईलाइट में जाएंगे, हाईलाइट में जाकर आप कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है लगभग। ओके, यहाँ से डन करने के बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्टिव टूल में जाएंगे, सिलेक्टिव टूल में जाने के बाद इस तरीके से सर्कल ले लेंगे। ओके, सर्कल लेने के बाद यहाँ में हम क्या करेंगे, तो यहाँ से जो क्या कहते हैं रोशनी आ रहा है तो इस तरीके से करेंगे, तो इसका ब्राइटनेस जो है ना उसको इस तरीके से इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से मैंने कर दिया। उसके बाद आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से सर्कल मतलब इस तरीके से सिलेक्टिव टूल यूज़ करके इस तरीके से एडजस्ट कर लूँगा। ओके, तो मैं पहले कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, तो आप देखते रहिए आप कहाँ पे किस तरीके से एडजस्ट करना चाहते हैं कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से मैं सिलेक्टिव टूल ले लूँगा, सिलेक्टिव टूल लेने के बाद इसको इस तरीके से इंक्रीज कर दूँगा। इंक्रीज करने के बाद हमें क्या करूँगा, इसको इन्वर्ट कर लूँगा। इन्वर्ट करने के बाद बाकी प्रोसेस में आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, एक मिनट थोड़ा रुकिए। तो इन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका जो ब्लैकनेस है डार्कनेस है उसको इस तरीके से इंक्रीज कर देंगे। ओके, मतलब हाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपना मुताबिक कर लीजिएगा। तो मैं इस तरीके क्या कर रहा हूँ, एक साइड से रोशनी आ रहा है और एक साइड से डार्क साइड आ रहा है, तो मैंने इस तरीके से करके इस फोटो को एडिट किया है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, मैंने ऑलरेडी फेस स्मूथ करके ले आया हुआ है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से फिलहाल बनकर रेडी हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्व टूल में जाएंगे, कर्व टूल में जाने के बाद यहाँ पे कर्व दे देंगे। ओके, तो आप अपने मुताबिक कर्व टूल को दे दीजिएगा। ओके, तो यह क्या है, नीचे शैडो है, बीच में मिड टोन है और ऊपर हाईलाइट है। ओके, तो आप लोगों को मैंने बता दिया है किस कर्व टूल में कहाँ पर क्या क्या है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, लास्ट में आके इस तरीके से शैडो को थोड़ा डाउन करके थोड़ा जो डार्कनेस है इस तरीके से फेड थोड़ा फेड कर दिया। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप रेड टोन में आके मतलब रेड कर्व में आके तो इस तरीके से एडजस्ट कर दीजिए। उसके बाद ग्रीन टोन में आके, ओके, तो कुछ इस तरीके से आपने मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर फिलहाल कर रहा हूँ, तो आप अपने फोटो के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, तब देखिएगा आपका फोटो बनकर अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने
मैंने इसके बाद क्या करूँगा, ब्लूटूथ में जाके भी एडजस्ट कर दूँगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लूटूथ में जाके मैंने क्या किया, थोड़ा हाईलाइट के साथ थोड़ा एडजस्ट किया, उसके बाद मिड टोन थोड़ा एडजस्ट किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद थोड़ा शेडो को एडजस्ट किया। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे आप लोगों को बता दूँ, फिर से सिलेक्ट टूल में जाएंगे। ओके, सिलेक्ट टूल में जाने के बाद इस तरीके से ग्रेडियंट लेंगे, थोड़ा इस तरीके से यहाँ पे और थोड़ा डार्क कर देंगे। ओके, इस तरीके से मतलब ब्लैकनेस थोड़ा इस तरीके से इंक्रीज कर देंगे, मतलब भरा देंगे मैंने बोला था। ओके, तो इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज करने के बाद यहाँ से डन क्लिक कर देंगे। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं फोटो पहले किस तरीके से था, फिलहाल किस तरीके से बन के रेडी हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए मस्त फोटो एक बन के रेडी हो गया, यहाँ पे कोई भी क्वालिटी लॉस नहीं है। तो उसके ऊपर हम टेक्सचर भी लाएंगे, तो टेक्सचर के बातें मैं अगले वीडियो में कर दूंगा, आप किस तरीके से अपने टेक्सचर को वापस ला सकते हैं फेस स्मूथ करने के बाद भी। ओके, लगभग ये फोटो एडिट कंप्लीट हो गया, तो मैंने क्या किया फिर से सिलेक्ट टूल यूज़ करके इस तरीके से उसका ब्राइटनेस जो है इंक्रीज कर दिया। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे ग्रेडियंट में जाके अपने मुताबिक कलर टोन दे दिया। ओके, शेडो को हाईलाइट को थोड़ा शेयर के इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो आप टेक्सचर किस तरीके से ला सकते हैं मैं उसके बाद अगले वाले वीडियो में लाऊंगा, आप देखते रहेगा। ओके, तो चलिए। ओके, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो आप लोग अगर आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर कोई नहीं है तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने बोलना पड़ेगा अपना भाई बंधु यार जो भी समझते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर दोस्तों।